संगत जी आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं सुधा चौधरी आंटी को। आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच अंकल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम बड़ा मंदिर। आई फील गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं ये, उनका बहुत बहुत शुक्राना कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि गुरु जी की महिमा करना उन्हीं की ब्लेसिंग से हो सकता है। वी आर नॉट केपेबल टू फाइंड दोज मोस्ट ब्यूटिफुल वर्ड्स वर्थ हिम। सो गुरु जी आपको बहुत बहुत प्रणाम, आपकी आज्ञा चाहूंगी, जो आप बुलवाएंगे आपकी महिमा वैसे ही होएगी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। पहले मैं आप सबको गुरु जी, सबसे पहले आपको मैं मुबारक देती हूँ। आज भाई दूज का त्योहार है। इस इतने अच्छे त्योहार पर आपकी ब्लेसिंग्स के लिए आपका शुक्रिया सारी संगत, सबके भाई बहन, और सबसे बड़े भ्राता तुम्ही हो, सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तो आप सबके भाई हैं। सबसे ज्यादा मुबारक भाई दूज की आपको, फॉलोड बाय द संगत। जय गुरु जी। गुरु जी आपने जब मेरे को पहली बार बुलाया, जैसे वो शब्द गाना भजन है कि आपने बाँ पकड़ी, जिस दिन वो दिन सबसे भाग्यशाली दिन था, जब आपने एक मैसेज भेजा कि सुधा नु बुलाओ, और मैं आपके पास आई नॉट नोइंग द डेकोरम ऑफ महापुरुष, द डेकोरम ऑफ द डिवाइन, द सुप्रीम लॉर्ड। आई वॉज वेरी नाइव एंड I just followed the rest of the संगत, और आपने बड़े प्यार से बोला सुधा तू आ गई, and I was wondering कि आपको कैसे पता है, और इतने ऐसे टोन में, फैमिलियर टोन में। तो फिर मैंने इस साइड में एक संगत देखी, मैंने सोचा शायद इन्होंने बताया हो, but after few days I understood that आप तो सब जानी जान हो, और आई फेल्ट सो 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 ब्लेस्ड कि मुझे आपने अपनी संगत के रूप में चुना, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आपके शुक्रगुजार। और मेरे परिवार को आपने वो ही है कि बांह पकड़ के जैसे आपने पार करा रहे हो, और जो कराया, मेरा मन है सारी दुनिया की संगत ऐसे ही ब्लेसिंग्स पाए जैसे आपने हमारे पे उपकार किए। जैसे आपने कहा सुधा तू आ गई, फॉलोड बाय बड़े प्यार से आपने कहा तन्नो पता है तेरा कोई अपना नहीं है, और आपने सारे रिश्ते भी गिना दिए मुझे कि तेरे माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त मित्र, बेटा बेटी, अड़ोस पड़ोस, कोई तेरा अपना नहीं है। और अपने उंगली के इशारे से संगत की तरफ इशारा किया कि इस संगत च तेरा परिवार है, जेड़ा तेरे बुरे भले टाइम ते कम आएगा। एंड मुझे उस टाइम समझ नहीं थी कि आपने कितनी बड़ी ब्लेसिंग पहले दिन, पहले मोमेंट दे दी, और आपने ही मुझे रियलाइज करवाया। जैसे मैंने आपके पांव टच किए गुरु जी, आपने मुझे रियलाइज करवाया एक बड़ी लाउड आवाज सुना के, अपना बना लो। और मैं हैरान थी, आवाज ये कौन ऐसे बोल रहा। फिर दोबारा मैंने सुना, एज आई टच्ड योर फीट आई हर्ड इट सेकंड टाइम, अपना बना लो। और मुझे लगा ये क्या लाइन है, एंड उस सेकंड साइमल्टेनियसली आई रियलाइज ये तो मेरे अंदर से आई आवाज। तो मैं थोड़ा सा झिझक भी गई कि फर्स्ट टाइम मैं किसी को मिल रही हूँ और उनको मैं अपने रिगार्ड्स दे रही हूँ,
और रिस्पेक्ट पे कर रही हूँ, और मेरे अंदर से ऐसे कैसे आया? अब मैं समझती हूँ वो मेरे अंदर से नहीं आया था, वो आपने मुझे रियलाइज करा के ब्लेस किया था। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, चरण वंदना, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और उसके बाद आपने मुझे बताया कि मैंने कभी कोई महापुरुष नहीं देखे, और आपने आज्ञा दी, मुझे हुक्म दिया कि मैं आती रहूं और फिर देख महापुरुष तेरे लिए क्या करते हैं। वो इतने सुंदर तरीके से आपने कहा ना कि तू कभी महापुरुष नहीं देखे, तो आती रह, देख फिर महापुरुष तेरे लिए की करते हैं। वो एकदम छप गया मेरे माइंड में। आपने बहुत कुछ कहा पर ये बिल्कुल छप गया। एंड इन द इयर्स टू कम मैंने आपकी महिमा, आपकी प्यार, आपकी काइंडनेस, आपकी ब्लेसिंग्स बरसती हुई देखी है, महसूस की है। गुरु जी मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही वंदना है, यही प्रेयर है कि सभी लोग आपके डेकोरम में रह के, आपकी मर्यादा सिखाई हुई में रह के ऐसे ही ब्लेसिंग्स पाए, और हम उन संगत, ऐसी संगत बने कि आप गौरव और फखर महसूस करो कि ये मेरी संगत है। हमें ऐसे ही सही रास्ते पे चलाने की कृपा करो, क्योंकि आप तो गुरु जी महाशिव हो। आप शिव जी भी नहीं हो, आप गुरु जी भी नहीं हो, आप तो सदा शिव महाशिव हो, जिन्होंने स्वयंभू हो, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए, 33 करोड़ देवता भी आप ही हो, विष्णु जी के 10 अवतार भी आप ही हो, ब्रह्मा जी शंकर जी सब आप ही हो गुरु जी, आप ही की इशारे पर सब कुछ चलता है। सुप्रीम फोर्स हो, द लाइट अंडर विच द डिविनिटी इज पोरिंग ऑन ऑल ऑफ अस। आपने इतना ज्यादा सारी संगत को ब्लेस किया, आज मुझे मौका दिया मैं उस महिमा का व्याख्यान करूं, ताकि सबको पता चले मेरा रब कैसा है जो गुरु रूप में मुझे मिला। उस दिन आपने कहा तो आंधी रही, उसके बाद संगत जी गुरु जी मेरी एडिक्शन बन गए। एवरी डे आई वुड गो टू गुरु जी, सब कुछ भूल गया था, बस ये याद था कि शाम को इतने बजे गुरु जी के पास पहुंचना है, और रोज वहां जाना और रोज गुरु जी के सामने बैठना, और आंखें बंद कर लेती थी क्योंकि मैं देखती थी कि एक टाइम पे शब्द खत्म होने के बाद, लंगर खत्म होने के बाद कुछ संगत को गुरु जी आज्ञा दे देते थे, तो मुझे थोड़ा सा लगता था कि वो हो कहीं मुझे ना कह दें चलो आज्ञा है, क्योंकि बड़े प्यार से सबको बोल देते थे चलो आज दी पिक्चर खत्म, चलो आज्ञा है। तो मेरे को 2-4 बार उन्होंने यही बोला था, मंत्री जी उठो, मंत्री नहीं ज्यादा देर बैंदे, तो मुझे लगता था इतनी जल्दी आप मुझे भेज दोगे। मैं आंखें बंद करके बैठ जाती थी और मैं दिल में कहती थी गुरु जी मैं मेडिटेशन नहीं कर रही, मैं सिर्फ आंखें इसलिए बंद कर रही हूं ताकि आपसे नजर ना मिले और आप मेरे को इशारा ना कर दो जी चलो आज दी फिल्म खत्म आ गया है। तो मैं आंख बंद करके नजर उनसे चुराती थी। एक दिन 6-7 महीने बाद मैंने सुना, आंखें बंद थी तो मैंने सुना गुरु जी को, गुरु जी कहते इनू देखो था एक अधिकारी नहीं जाना चाहते। तो इमिजिएटली आई ओपन माई आईज टू सी कि मेरे जैसा और कौन है, और गुरु जी की उंगली मेरी तरफ थी, मतलब बिन बोलिया सब कुछ जान रहा। ये तो मैं दिल में कहती थी, मैंने कभी किसी से बात नहीं शेयर की, और गुरु जी तक वो पहुंचती थी बात, और गुरु जी उसको ऑथेंटिकेट करके बताते थे। तो उस टाइम ऐसा लगता था धन्य हो गया कि एक रब के सामने बैठे हैं,
रब सीरियसली भी कुछ बातें बता देते थे और इन अ जोकिंग मैनर भी कुछ बता देते थे। कभी बहुत इजी माहौल होता था, कभी उनकी इतना ऑरा स्ट्रॉन्ग होता था कि वन कुड फील द पॉजिटिविटी इन द एनवायरनमेंट। उनका माहौल बोलता था, इसलिए गुरुजी को कभी प्रवचन देने की जरूरत नहीं पड़ी। संगत जी, कभी गुरुजी ने कोई प्रवचन नहीं दिया, कभी उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा, बट फॉर स्मॉल लिटिल हिंट्स हेयर देयर, जैसे कभी कह देते थे, किंतु परंतु इफ्स एंड बट्स बात जुतियां ना लगा दिया करो। कभी कह देते थे, जिथे तुहाडी साइंस खत्म होंगी है उथे मैं शुरू होंगी। सो ऐसे ही कई बारी लंगर के लिए कि 33 करोड़ देवता इस लंगर दी वेट करते हैं, लाइन च लगे होंगे। एंड गुरु जी का लंगर तो बहुत ही क्यूरेटिव होता है, और जिस भाव से हम लेते हैं दैट मैटर्स अलॉट, कि हम उस लंगर को ईश्वर का, सदगुरु का, सुप्रीम लॉर्ड का, द डिवाइन का प्रसाद समझ के एक कण भी ग्रहण कर लें, तो सारे ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। और वो क्यूरेटिव है, जैसे मेरा गुरुजी के लंगर खाने से गुरुजी की इंस्ट्रक्शंस भी आई, किसी को ड्रीम भी आया, मेरे को कैंसर हुआ था तो गुरुजी के किसी के ड्रीम में गुरुजी ने कहा, इन्हों को 3 लंगर खाया करें, मैं कीमोथेरेपी कर। और मैं वो लंगर खाती थी, चाय प्रसाद पीती थी, और हिम्मत नहीं होती थी कि मैं कहूं गुरुजी मेरा कैंसर ठीक कर दो, क्योंकि गुरुजी ये कभी कभी कहते थे, मंगिया ना करो मन्या करो। तो मैं कभी कह नहीं पाई गुरुजी को कि मुझे कैंसर है और मेरा कैंसर ठीक कर दो, पर वो जो सपने में उन्होंने बोला किसी को, किसी संगत को, कि इन्हों को 3 लंगर खाए, मैं कीमोथेरेपी कर रही, और मैं वो लंगर खाती थी, एंड विद द डिवाइन इंटरवेंशन ही क्योर्ड मी ऑफ माय कैंसर, इन विच डॉक्टर्स हैड टोल्ड मी दैट वंस दे वुड डू द सर्जरी आई विल लूज माय वॉइस, आई विल नेवर बी एबल टू टॉक इन माय लाइफ, दो आफ्टर 2-3 ईयर्स दे विल गिव मी स्पीच थेरेपी, एंड उससे मैं स्लर करूंगी, सारी उम्र बोल नहीं पाऊंगी, पर मेंटली आई फील कि मैं बोल रही, पर दुनिया को समझ नहीं आई। बट हिज डिवाइन इंटरवेंशन ही क्लियर्ड माई कैंसर, एज वेल ही गेव मी अ लाउड वॉइस, बुलंद आवाज दे दी, जो कि मैं पहले बहुत सॉफ्टली बोलती थी, धीरे बोलती थी। और कई बार बच्चे इशारा करते थे कि माँ जोर से बोलो, गुरुजी को सुन नहीं रहा। और आज ये हाल है, गुरुजी ने कैंसर तो ठीक किया, मेरी आवाज में इतना जान डाल दी कि अब बच्चे दूर से इशारा करते, मम्मा धीरे बोलो धीरे बोलो। ये है मेरा रब, कि उसको कहो भी नहीं बोलो भी नहीं, और दिल में भी मत मांगने की हिम्मत हो करो, वो अपने आप सब कुछ करता है। इसी तरह गुरुजी प्रवचन नहीं देते थे, उनका अपने आप माहौल बोलता था। डिविनिटी यूज टू पोर ऑल ओवर, उनका ऑरा यूज टू स्पीक एवरीथिंग, और वो जो चुन के शब्द लगाते थे, रागी भी देखते थे कौन है, शब्द भी कौन है, क्या है, एप्ट होता था फॉर सर्टन संगत जिनके मन में सो मेनी क्वेश्चंस यूज टू बी देयर। लाइक ऑल ऑफ अस आर ह्यूमन बीइंग्स, एज मच एज वी ट्राई वी कैन नॉट रीच दैट लेवल वेयर वी कैन से कि हाँ वी नो एवरीथिंग, बट यस वेयर वी आस्क फॉर हिज ग्रेस। एंड गुरु जी उन शब्दों में हमें उन डाउटफुल सिचुएशंस के आंसर दिलवा देते थे कि वन वुड फील टोटली टोटली ब्लेस्ड एंड इजी आफ्टर टेकिंग आज्ञा गोइंग होम, आपका पूरा क्लैरिटी आ जाती थी। बिना बोले बिना मांगे सिर्फ एक रब कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता।
और गुरु जी ने मुझे पहले दिन फर्स्ट टाइम मीटिंग में ये बता दिया कि वो रब है मेरे। आई हैड गॉन टू हिम इन अ वेरी सिंपल फैशन कि हाँ मैं गुरु जी को मिलने जा रही हूँ। बट उस रात जब हम घर आए 3-4 बजे, मैं सोने के लिए लेटी तो मेरे को छत और अपने बीच में गुरु जी का स्वरूप दिखा ब्लैक चोले में। और मुझे था कि हो मे बी आई मेट समबडी, मैं उन्हीं का सोच रही हूँ। मैंने टर्न लिया, इधर गुरु जी लेटे हुए स्माइल कर रहे थे, तो मुझे लगा कि ओहो ये तो शायद हिप्नोटिज्म है कुछ ऐसा सा। मैंने सेकंड टर्न किया, उधर भी ऐसा सा ही लगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं थी उस टाइम, बिकॉज आई हैड नेवर मेट एनी महात्मा साधु संत और महापुरुष इन माई लाइफ, दिस इज द फर्स्ट टाइम, सो आई डिड नॉट नो एनीथिंग। बट सुबह जब मैं लाइट्स ऑन में सोई, क्योंकि मैं डर भी रही थी थोड़ा सा, सुबह जब मैं 5:30 पौने 6 उठी, एक आवाज सुनी बड़े जोर से, अ मेल वॉइस सेइंग, कल रात मैं अपने रब को मिलकर आई। दैट वॉइस वाज एड्रेसिंग हिमसेल्फ एज फीमेल। मैंने कहा सुबह सुबह कौन इतनी जोर से बोल रहा है। देन आई हर्ड इट फॉर द सेकेंड टाइम एंड आई रियलाइज इट इज कमिंग फ्रॉम विद इन मी। साइमल्टेनियसली गुरु जी ने स्टैम्प कर दिया कि मैं तेरा रब हूं, कल रात तू मुझे मिली है, मैं तेरा रब। एंड संगत जी उन्हीं की ग्रेस है, उन्हीं की कृपा है। उस मिनट से इस मिनट तक, उस सेकंड से इस सेकंड तक मुझे कभी डाउट नहीं हुआ। मैंने उनको गुरु रूप में नहीं लिया, मैंने उनको हमेशा परम पिता परमेश्वर, ये मेरे अंदर से निकलता था जब मैं उनको नमस्ते करती थी, परम पिता परमेश्वर। बस मेरे लिए तब उस मिनट से, उस सेकंड से अब तक कल का भरोसा नहीं, क्योंकि गुरु जी कहते थे जेड़ा मैनू गुरु गुरु करदा जे मैं चाहा होने ही उदा दिमाग घुमा दूं, इत्थे खड़े होकर मैनू गाला कढ़निया शुरू कर दे। सो मैं ये विनम्र होकर हाथ जोड़कर येट ब्लेस्ड फील करती हूँ कि गुरु जी आपने इतना टाइम दिमाग से ही रख के अपनी शरण में रखा। थैंक यू फॉर दैट। इसी तरह गुरु जी ने मुझे कहा कि इस संगत में उंगली से कि तेरा परिवार है जो बुरे भले काम आएगा, एंड द इयर्स टू कम इट इज द संगत हु हेल्प मी सो मच कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ी होने के लायक बन सके। और फिर एक दिन गुरु जी के गांव से कुछ संगत आई हुई थी, मेरे ही घर पे थे वो। जब गुरु जी के पास जाने लगे तो कोई रजौरी गार्डन की कई नई संगत आई, मैंने इंट्रोड्यूस करवाया उनको आपस में कि ये जी नई संगत है, अभी गुरु जी से जुड़ी है, और अंकल ये गुरु जी के गांव से आए हैं, बड़े प्यारे गुरु जी के हैं, बड़े लाडले हैं, गुरु जी इनको बहुत प्यार करते हैं, बड़ी अच्छी संगत है गुरु जी की। उनको इंट्रोड्यूस करवाया, उन्होंने नमस्ते की और अपने अपने चले गए। और उस दिन मैं गुरु जी के पास नहीं गई थी, तो रात को 11:30 बजे मुझे उस गांव वाली संगत का फोन आता है कि आंटी आप कार तक आइए जरा। मैंने कहा नहीं आ जाओ घर। उन्होंने कहा कि गुरु जी ने कहा है दिल्ली की धरती ते पैर नहीं रखना, पर सुधा आंटी नू ए मैसेज दे के जाओ। और उन्होंने, मैं गई गाड़ी के पास, मैसेज दिया कि गुरु जी ने बोला है अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठकर नई संगत पुरानी संगत नहीं करनी, लाडली बेलाडली संगत नहीं करनी, प्यारी संगत नहीं करनी, मेरी संगत सारी लाडली सारी प्यारी और कोई नया पुराना नहीं है, मेरे साथ हजारों हजारों सालों से, और मैं एक शिव परिवार अपना इकट्ठा कर रहा। ये बहुत बड़ा मैसेज है गुरु जी का, मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी, कि जब हम पूछते हैं ना अच्छा आप कब से आ रहे हो, देर इज नो टाइम फ्रेम। और गुरु जी ने मुझे भी भुला दिया मैं कब से आ रही हूँ,
और मुझे उलझा देते थे। तेनू तो 85 च बुलाया सी, तू तो 86 च आई सी। टू माई हस्बैंड ही सेड तू तो 86 च आया सी, एंड ही डिड नॉट रिमेम्बर। सो वी डू नॉट नो कि हम कितने हजारों सालों से, अकॉर्डिंग टू गुरु जी वचन, कितने हजारों सालों से आप सब गुरु जी से जुड़े हुए हो। ओनली थिंग आई कैन से ऑन दिस इज कि वी आर थैंकफुल टू यू गुरु जी, आपने हमें अपनी चरण शरण में कितने जन्मों से रखा है और रखेंगे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। क्योंकि हमें कुछ नहीं पता, आपको पता है सारा। आपके शब्दों में आप कहते थे कि मैंने तो तुसी कीड़े मकौड़ियां की तरह दिखते हो। सो हमें तो कुछ पता ही नहीं है, पर ये सोच के बहुत फखर महसूस होता है और ग्रेटिट्यूड होता है कि हम आपके संगत हैं। आपने हमें एक्सेप्ट किया कि हमारे इतने अवगुण है, जैसे वो शब्द है ना, मेरा गुण अवगुण ना विचारो प्रभु कृपा करो, आप वो करते हैं। और मैंने कई बार देखा भी है टीवी और सिनेमा में कि शिव जी के बारात जा रही है, पिक्चरों में फोटोज में देखा है, शिव जी के बारात में तरह तरह के शिवगण होते हैं, उसमें देवता भी हैं, राक्षस भी हैं, अघोरी भी हैं, कैसे भी हैं कैसे भी हैं सब, पर हैं वो सारे शिव जी के। इसी तरह हम भी गुरु जी सभी आपके हैं, और आपने हमें एक्सेप्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड गुरु जी। और आप तो बिन बोले, आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट, बिन बोले आपने जैसे मेरा कैंसर ठीक किया, ऐसे ही मेरा केयर टेकर की वाइफ का कैंसर आपने ठीक किया। हम गुरु जी के पास जाते थे, चुपचाप बैठते थे, उसकी वाइफ को कैंसर था और डॉक्टर ने 1 महीना बोला था इससे ज्यादा नहीं वो चले। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे कहा कि आपको कीमोथेरेपी नहीं करवानी चाहिए, शी इज ऑन अ वीक विकेट, 1 महीने से कम ही है, ज्यादा नहीं। फिर हम गुरु जी के, मैं उसको लेके जाती थी, वहां बैठते थे, तो गुरु जी ने एक दिन मुझे कहा, बड़ा मंदिर खोलता सेवा करन जाया कर 2 या 4 आंटियां लेकर। ठीक है गुरु जी, तो मैं उसको भी साथ में लेकर जाती थी और मैं उसको बिठा देती थी। एंड इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर हर टू वॉक फ्रॉम द गेट ऑफ बड़ा मंदिर टू रंगोली, तो मैं उसको पास में बिठा देती थी। वो लॉन होता था जहां अब समाधि है, वो लॉन होता था, तो उसी के पास में बिठाती थी, ताकि क्योंकि चल नहीं पाती थी, वो लास्ट लेग पे थी। हम सेवा करते थे, कोई कुछ दिन बाद, महीने के बाद, मेरे को एक आंटी ने कहा कि इसको तुम कहती हो कि महीने नहीं, डॉक्टर ने बोला है महीने में नहीं रहेगी, पर इसको देखो लाल सेब की तरह, कश्मीरी सेब की तरह रंग हो गया इसका, मोटी हो गई है। और मैंने कहा हाँ, कुछ सूट इसको ढीले से और बनवा के दिए हैं, बट आई डिडंट रियलाइज अनदर 1 or 2 months वी कै इट कैरिड ऑन। बस हम जाते थे, वो भी जाती थी, देन वन फाइन डे आई सॉ वो सफाई वहां पर सेवा कर रही थी, सफाई की। तो मैंने बोला, अरे सुमित्रा आप आराम से बैठो, हम कर लेंगे। तो बड़ी शरीफ अच्छी आंटी थी वो, तो वो जितना हो सके, शी स्टार्टेड डूइंग सेवा, शी स्टार्टेड क्लीनिंग इट, दैट मीन शी वॉज इम्प्रूविंग। वन डे हम गए गुरु जी को नमस्ते करके बैठने लगे, उठने नमस्ते चरण वंदना करके मैं उठ रही थी, गुरु जी ने बड़े प्यार से मुझे कहा, फिर अपने ड्राइवर दी वाइफ का कैंसर फिर तो ठीक करा लिया। आई कुंट बिलीव, आई सेड हां जी गुरु जी, एंड ही रिपीटेड विद अ ब्रॉड स्माइल। मुझे लगा मैं तो धन्य हो गई। एंड ही गेव हर लाइफ फॉर 4 5 years, क्योंकि मैं दिल में यही बोलती थी, गुरु जी मेरा बड़ा दिल करता है, इसके बच्चे छोटे हैं, जरा अपना घर संभाल ले, वरना तो सभी कोई होता, मेरी उम्र भी चाहे कुछ साल इसको लग जाए। एंड संगत जी इट एक्चुअली हैपेंड, शी लिव्ड फॉर नेक्स्ट 5 6 years, बच्चे बच्चे संभाल ले, लड़कियों की शादी कर दी, लड़कों को जहां भी काम पे लगाना था करके, मतलब घर संभल गया उसको।
तब उसको गुरुजी ने अपने चरणों में बुलाया। बिना बुलाए, बिना बताए, बिना एक आवाज निकाले, रब के सिवा तो कोई नहीं कर सकता। मेरे तो बस यही है, मेरी लाइफ इज बिन बोलिया, सब कुछ जानता। जैसे मेरी तबीयत 84 में ऐसी हो जाती थी, सडनली बैठे बैठे आई वुड हैव नो एनर्जी, माई एनर्जी वुड बी माइनस माइनस जीरो, और फिर मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। देखती थी सब कुछ बट बोल नहीं पाती थी, खा नहीं पाती थी, ऐसे लगता था जान ही खत्म है। और ये सिचुएशन कभी 2 घंटे रहती थी, कभी 2 दिन, कभी हफ्ता, और फिर अपने आप ही ठीक हो जाती थी। और मुझे ये नहीं पता था कि कोई बीमारी है, मुझे लगता था कुछ हो रहा है मुझे, बट आई हैड नो क्लू। सो मेनी ईयर्स आई सफर्ड, बट आई हैड नो क्लू ये क्या है। एक बार मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी तो उसने कहा हो सकता है शुगर अप एंड डाउन होती हो, चेक कराओ। शुगर चेक कराई, वो भी ठीक थी, बट नो डायग्नोज। गुरु जी ने एक बड़ा फंक्शन होके हटा, मैं गुल्लक रूम के दरवाजे के पास बड़े हॉल में बैठी थी। गुरु जी एंड में डांस करवाते थे, जब डांस खत्म हुआ गुरु जी उठने वाले थे, उठे नहीं थे अभी, सडनली मेरी और उनकी नजर मिली और मुझे लगा गुरु जी ने बड़े ध्यान से मुझे देखा, और उसी टाइम में एनर्जी मेरी खत्म हो गई और मैं दीवार के साथ ही, दरवाजे के साथ मैं धीरे से दम करके वहीं बैठ गई। और मुझे उसके बाद कुछ नहीं पता, और कुछ देर बाद इतना था कि किसी ने मुझे हिलाया और बोला आंटी ये कॉफी पियो, और मैं तो ना भी नहीं बोलने की जान थी मेरे में, चुपचाप बैठी थी। उन्होंने मेरे कान में बोला आंटी गुरुजी ने आपको देखा, उन्होंने कॉफी मंगाई, कॉफी पी 2 घूंट और बोला ये आंटी ने पिला के आओ। बड़ी मुश्किल से, एनर्जी लेस थी, बड़ी मुश्किल से मैंने वो कॉफी प्रसाद गुरुजी का पिया, शुक्रिया गुरुजी। उस दिन जो मेरी एनर्जी ठीक हुई, तबीयत ठीक हुई, आज तक मुझे वो प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। और ये मैंने कभी किसी से बोला ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं थी कि मुझे क्या होता है, बिकॉज अपने आप ठीक हो जाता था फिर। सो तो रब ही है मेरा तो, और मेरे को इतना विश्वास है कि मुझे कुछ कहने की, कुछ मांगने की, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, जो होगा उनकी कृपा से होगा और अपने आप होगा, अदरवाइज नो नीड टू से एनीथिंग। सिमिलरली मतलब देर इज नो एंड टू हिज महिमा, नो एंड टू हिज कृपा। माई डॉटर शी ऑलवेज वॉन्टेड वेन शी वॉज इन द हॉस्टल दैट हिज हर फ्रेंड्स शुड कम एंड टेक गुरु जीज ब्लेसिंग्स। पर बच्चे 5-10 का ग्रुप था, आते थे डेली, 5-6 दिन की छुट्टी होती थी तो नो बडी एवर वुड कम टू गुरु जी। उसके एक दोस्त को, क्योंकि गुरु जी की डेकोरम से हमें ये भी पता चला, समझ आई थी कि गुरु जी कहते कर तो एक बंदा आ जाता है, तो 7 जनरेशन अड़ोस पड़ोस दोस्त मित्र सब तर जाते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग। तो मेरी बेटी का बहुत मन था इसके दोस्त आए, पर वो आते नहीं थे कभी और ये उदास हो जाती थी। तो गुरु जी की इतनी कृपा हुई कि इसके एक दोस्त को सपना आया, रात को 1 बजे मुझे दिल्ली में फोन आता है कि मम्मा करण आपको फोन करेगा, वो बहुत रो रहा है। तो करण का फोन आया 5 मिनट बाद, इसका दोस्त था जो इससे राखी बनवाता था, कि आंटी मैंने सपना देखा, आप जिन गुरु जी को मानते हो वो सपने में मुझे मेरे बचपन के नाम से कह के बुला रहे हैं गुड्डू, और कहते हैं कि तेरा भाई जो इंसियड फ्रांस में पढ़ रहा है, MBA कर रहा है, उसको इंटेस्टाइनल कैंसर है और ये तेरी वजह से है, पर घबराना नहीं, उसकी सर्जरी होएगी, बड़ी मुश्किल सर्जरी है पर वो ठीक हो जाएगा, मैं उन्हें क्योर कर देता।
ये तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे, घबरा गया यंग चाइल्ड। सो फिर मैंने उसको कहा कि तुम पहले तो रोना बंद करो, तुम्हें गुरु जी के दर्शन हुए हैं, रब के दर्शन हुए हैं, यू आर सो ब्लेस्ड। एंड सेकेंडली गुरु जी ने कहा कि मैं उन्हें ठीक करता, दैट मीन्स इन द टाइम टू कम ही विल बी परफेक्टली फाइन। पर वो बच्चा था, उसने कहा आंटी मेरी मम्मा से सुबह बात करना। सो इन द मॉर्निंग व्हेन आई स्पोक टू हिज मदर, शी स्टार्टेड हाउलिंग। शी सेड आपको कैसे पता है, करण को किसने बताया? तो मैंने वो ड्रीम बताया उसका सारा। शी सेड हमें भी कल ही पता लगा है कि सौरभ को, उसका नाम सौरभ है, सौरभ को बीमार है और हमने बुकिंग कराई है, 2-4 दिन में हम जाएंगे। पर ये गुरुजी कौन है? फिर मैं उनको गुरुजी के पास शाम को लाई। गुरुजी अपने रूम में चेंज करने जा रहे थे व्हेन वी वेंट देयर। सो बात हुई, नमस्ते हुई गुरुजी से, और मैंने कहा गुरुजी आज अपर्णा के दोस्त को कल अपर्णा के दोस्त को कल रात आपका सपना आया। बड़े मजे से कहते देखिया फिर। और फिर उसके बाद मुझे कुछ जरूरत ही नहीं, क्योंकि गुरुजी तो जान ही जान है। आई डिड नॉट इंट्रोड्यूस एनीबॉडी। गुरुजी फिर वो 5 मिनट खड़े हुए, और जैसे उन्होंने कहा देखिया फिर, बड़े मजे लेकर देखिया फिर, और फिर कहते हाँ इन द आजादपुर बिजनेस है, ड्राई फ्रूट का बिजनेस है, फलां का बिजनेस है, कुड़ी अडवाणी जी दे ब्याही हुई है, और मुंडा फ्रांस च पढ़ता है, छोटा मुंडा बैंगलोर पढ़ता है। मतलब उन्होंने गुरुजी की सारी उस परिवार की फाइल खोल दी गुरुजी ने, और विद अ ब्रॉड स्माइल ही से चलो चलो बैठो। एंड ही वेंट इन टू चेंज व्हेन ही केम आउट। जब गुरुजी सिंहासन पर आके बैठते थे तो ऑरा यूज्ड टू बी एंटायरली डिफरेंट, इट यूज्ड टू बी सो मैग्निफिसेंट कि फिर आप में इतनी वो नहीं होती थी कि उस पावर को, उस एनर्जी को आप आंखों से आंखें मिला के एब्सॉर्ब कर सको। अपने आप पलकें झुक जाती थी, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन ऑरा होता था वो। और कभी कभी वो ही बिल्कुल इनोसेंट बेबी की तरह भी लगते थे कि यू कुड एक्चुअली एडमायर हिम लुकिंग एट हिम। ये फिनोमिना समझाया नहीं जा सकता लफ्जों में, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। गुरु जी का एहसास है जो गुरु जी का सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसके लिए शब्द बड़े मुश्किल हैं मुझे बताने के लिए। सो हम जाकर बैठ गए, गुरु जी ने कहा चलो चलो बैठो, चेंज करके आके गुरु जी बैठे। फिर उन्होंने बड़े प्यार से बोला कल एक लोटा लेके आना। अगले दिन हम आए कॉपर का लोटा लेकर। फिर गुरु जी ने लोटा लिया, उसका डेट ऑफ बर्थ पूछी, उसको ब्लेस किया। फिर मुझे कहते इन्हानु क्या है, ए फ्रांस भेज दे। उन्होंने बोला गुरु जी 3-4 दिन में हम ही जा रहे हैं, चेती फ्रांस भेज दे। फिर 3-4 दिन में हम ही जा रहे हैं, अच्छा फिर तुसी ले जा। मेरे को बोलते कि इनको समझा दे। मैंने बताया कि लोटा में सिर्फ सौरभ ही पानी भरेगा और वो जल प्रसाद बन जाएगा गुरु जी का। रात को रखोगे, सुबह आधे से उसको नहला देना, आधा उसको पिला देना, और इस लोटे को किसी डिटर्जेंट से कभी नहीं साफ करना, इसको या नींबू से अच्छे से, और खुद वो साफ करेगा या राख से। सो ये सारा समझा के उनको भेजा। एंड व्हेन दे वेंट देयर, ये परिवार सिंधी परिवार है जो गुरु नानक देव जी को मानते हैं, पर जब वो फ्रांस गए, सौरभ के पहले रूम में जाके इन्होंने सामान रखा टू गो टू हॉस्पिटल, वहां इन्होंने देखा उसके बेड के पीछे पूरी वॉल पर शिव जी का बहुत बड़ा स्वरूप वॉल टू वॉल लगा हुआ था। और जब ये हॉस्पिटल गए, इन्होंने देखा इनके बेटे ने अपनी बाजू पर त्रिशूल का टैटू करवाया हुआ था, वो शिव जी को डायरेक्ट मानता था। सो दे वर क्वाइट टेकन अबैक, एंड आई हैड गिवन गुरु जी ग्रंथ, गुरु जी ने लौटा दिया था, तो इन्होंने वहां उसको सारा सुनाया पढ़ा, एंड एक्चुअली उसका इंटेस्टाइनल कैंसर क्योर हो गया। नॉट ओनली दैट, आफ्टर अ ईयर अगेन यहाँ पर करण को
ड्रीम आता है गुरु जी का सेकेंड टाइम। गुरु जी उसको बोलते हैं कि अपने ब्रदर को कह, डॉक्टर को दिखाए, उसका थाई बोन के पास, क्लोज टू द बोन, एक बहुत बड़ा नोड्यूल है, विच इज मोर डेंजरस देन द प्रीवियस सर्जरी। डॉक्टर को दिखाए और सर्जरी करे, पर मैं उन्हें क्योर कर देता। एंड दीज आर द चिल्ड्रन, दिस इज द फैमिली हु हैड नेवर कम टू गुरु जी अर्लियर। ओनली कनेक्शन वॉज दैट माई डॉटर यूज टू प्रे टू गुरु जी कि इन सबको मैं आपके पास लाना चाहती हूँ। सो कितनी चीजें गुरु जी एक अपनी कृपा में हमें समझा देते हैं कि एक बंदा आंदा है और एक दोस्त मित्र सारे सात जनरेशन सारियां तर जाती हैं। सो इसने करण ने अपने भाई को फोन किया कि भाई तू ठीक है? वो कहता हाँ। कहता तू डॉक्टर को दिखा। ही वांटेड, करण वांटेड टू चेक ये सही भी है कि नहीं। तो सौरभ ने वहां चेकअप करवाया। डॉक्टर ने बोला एक नोड्यूल तेरी थाई में है, बोन के बहुत पास है, और इट इज अ वेरी डेंजरस सर्जरी। एग्जैक्टली जो गुरुजी ने बोला। तो इनको हौसला हो गया कि गुरुजी ने कहा था कि मैं इसको क्योर हो जाएगा। सो सौरभ गॉट क्योर्ड विद गुरुजी's ब्लेसिंग्स। ऑफ कोर्स प्रोसीजर्स वन हैज टू गो थ्रू, बिकॉज गुरुजी कहते हैं कि डॉक्टर को जाओ, अपना का डॉक्टर अपना काम करे, मैं अपना काम करूंगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे करना तो गुरु जी ने, ब्लेसिंग्स तो इन्हीं की होएंगी, तो डॉक्टर्स के ऑपरेशन सफल होते हैं। क्योंकि मैं एम्स के बहुत डॉक्टर्स देखती थी कि किसी को अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो सुबह सर्जरी है, रात को बड़ा मंदिर जाते हैं लोग और गुरु जी का लंगर प्रसाद खाते, चाय प्रसाद पीते। तो सुबह मैंने देखा भी है एक दो केसेस और सुने भी हैं बहुत। तो सुबह जब हॉस्पिटल जाते थे तो डॉक्टर बोलते थे कि ये गलत फाइल आ गई है, आपके चेकअप्स जो प्री सर्जरी होते हैं उसमें तो कोई ब्लॉकेज ही नहीं है। सो वो पेशेंट बताते थे, वो अंकल बताते थे, डॉक्टर पूछते थे ना क्या किया आपने, वो कहते कुछ नहीं जी, हम तो रात गुरु जी के मंदिर गए थे, प्रसाद खाया था। तो डॉक्टर्स यूज टू कम टू चेक कि कौन गुरु है। और मैंने एक्चुअली एम्स के कई डॉक्टर्स को हाथ जोड़कर सामने खड़े देखा है कि गुरुजी आपने तो हमारी मेडिकल साइंस फेल कर दी। सो एक रब हमें गुरुजी के फिजिकल रूप में मिला, कितना बड़ा भाग्य है, और उसी की महिमा हम सब आपस में करते हैं, सुनते हैं। वो उससे भी बड़ी कृपा है और उन्हीं की कृपा है कि ये सब हो रहा है। ऐसे ही गुरु जी की बहुत कृपा मेरी बेटी पे भी रही है। मेरी बेटी की शादी 2010 में हुई। 2011 में मुझे एक अंकल का फोन आता है सुबह सुबह कि आंटी मेरे को ड्रीम आया है कि मैं बड़ा मंदिर जाता हूँ ट्यूसडे के दिन और वहां सत्संग हो रहा है। तो कहता मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि ट्यूसडे इज अ मेंटेनेंस डे ऑफ गुरु जी, सत्संग कैसे हो रहा रंगोली पर। तो जब कहता आगे जाता हूं तो किसी ने आपको माइक पकड़ाया, ये सब वो ड्रीम में देखा उन्होंने कि अपनी बेटी की डिलीवरी का सत्संग करिए। तो उसी ड्रीम में इसने देखा कि मैं वो माइक अपर्णा को पकड़ाती हूँ कि बेटा अपनी डिलीवरी का सत्संग आप बताओ, बस इतना ही ड्रीम कहता आया। सो थैंक यू बोला मैंने, बात खत्म हो गई। बट वी वर श्योर कि हाँ चलो, 2010 में शादी हुई, 11 में ड्रीम आया, तो गुरुजी की कृपा से शी विल हैव चिल्ड्रन एंड ब्लेस्ड बाय गुरुजी। बट शी डिड नॉट हैव चिल्ड्रन फॉर नेक्स्ट 5-6 years, तो शी वाज स्लाइटली अपसेट। एक दिन मुझे कहती है, मम्मा गुरुजी का क्या जाता है, महाभारत में कुंती को ऐसे ही गुरुजी दे देते थे, चंद्रमा पुत्र, सूर्य पुत्र, करण, गुरुजी का क्या जाता मेरे भी ऐसे ही एक बेबी रख दें। पहले दिन तो मेरे को हंसी आ गई कि बच्चे देखो कैसे बातें करते हैं। जब इसने मुझे सेकंड टाइम कहा 2-4 दिन के बाद, सडनली मुझे लगा दिस इज अ वेरी सीरियस अफेयर। अगर उसको फील हो रहा है तो आई टोल्ड हर, बेटा
गुरु जी तो डायरेक्ट कनेक्शन क्या कहते हैं करने को, आपको मेरी सिफारिश की जरूरत नहीं है, आप अपने आप गुरु जी से प्रे करो कि गुरु जी आपने कुंती को ऐसे किया तो मेरे लिए भी आप कर दो प्लीज, और बात वहीं पे खत्म होगी। कुछ दिन बाद गुरु जी का बर्थडे था तो किसी सत्संग में थे, वहां पर गौरव अंकल ने बोला अपर्णा गुरु जी का बर्थडे है तुम डांस करने, कहती हाँ जी भैया, एंड शी डिड हर परफॉर्मेंस देयर हॉल में। उन्होंने बड़े प्यार से इससे पूछा कि बाहर गुरदास मान जी परफॉर्म कर रहे हैं स्टेज पे, वहां करना है, तो इसने बोला नहीं, जैसे गुरु जी के टाइम गुरु जी बोलते थे हमें डांस करने को उनके सामने, मैंने वही अंदर हॉल में करना है। सुशी परफॉर्म्ड, हॉल अंदर से बंद किया, जितने लोग अंदर थे उन्हीं के सामने गुरु जी के सामने इसने माथा टेका और इसने परफॉर्म किया। जब ये माथा टेकने जा रही थी, इसने मेरे से घुंघरू लिए बांधे और मुझे कहती आज मैं गुरु जी से बात करूंगी, तो मुझे लगा तो बच्ची है चलो ठीक है। ये इसने माथा टेका और कई सेकंड से उठी नहीं, तो मुझे लगा ओहो गुरु जी कहते हैं मांगो मत, ये पता नहीं क्या बात करेगी। उसके बाद इसने डांस किया सांसों की माला पे, जो भजन है उस पे इसने, इसने वो गुरु जी के लिए पहले भी किया था उस पर। और जब ये डांस करके हटी, इसने फिर माथा टेका और लंबा कुछ सेकंड्स के लिए उठी नहीं। फिर मेरे को लगा गुरु जी को परेशान ना करे, बोले ना कुछ। एनीवेज करते करते ढाई ढाई के करीब बज गए थे, तो इसकी मदर इन लॉ ने कहा कि हम घर जाएं बहुत लेट हो गए। ऐसे हाँ जी, जब ये मुझे मिलने लगी बाय करने के लिए, इसने मेरे कान में कहा मम्मा गुरु जी ने काम कर दिया, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। तो मुझे लगा बच्चे हैं कैसे बात करते हैं ऐसे, मैंने कहा शाबाश हंस के मैंने इसको भेज दिया। एंड विद इन 4-5 days शी कंफर्म दैट शी इज ऑन फैमिली वे, सो वी वर वेरी थैंकफुल टू गुरु जी। बट हमारे मन में था कि अंकल को ड्रीम जो आया था कि अपर्णा की डिलीवरी का सत्संग, इसका मतलब कि समथिंग विल नॉट बी राइट विद हर एंड गुरु जी की कृपा होएगी तो थिंग्स विल वर्क आउट, तो सत्संग होगा। बट ऑल दैट टाइम शी वॉज हेल एंड हार्टी, नथिंग वेंट रॉन्ग। शी वेंट टू डिफरेंट ट्रिप्स डिफरेंट प्लेसेस, वी ऑलवेज वुड टेल हर बी केयरफुल, बट एवरी थिंग वॉज वेरी नॉर्मल, वेरी हेल्दी एंड हैप्पी। शी डिलीवर्ड अ बेबी बॉय एंड एवरी थिंग साउंडेड वेरी गुड। बट वेन द गायनी वॉज लीविंग दैट नाइट, शी हैपन टू बी द सेम गायनी हु हैड डिलीवर्ड अपर्णा, नाउ शी वॉज डिलीवरिंग अपर्णाज बेबी। उसने मुझे कहा सुधा, शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, के सुधा एक बात कहूं मैं। मैंने कहा क्या हुआ? शी सेड वेन वी डिड द सिजेरियन वी नॉर्मली वी चेक ऑल द पार्ट्स, शी सेड आई फाउंड अ वेरी बिग सिस्ट राइट इन फ्रंट, बट डोंट वरी, मैंने उसको एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया। नेक्स्ट शी सेड वी फेल्ट वी रियलाइज देर इज नो ओवरी, वन ओवरी, नो 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 ओवरी नहीं, वन ओवरी इज नॉट देयर, एंड द फिलोपियन ट्यूब सिर्फ एक, उसने छोटी उंगली अपनी दिखाई हाथ की, कहती छोटी सी एक और वो भी ब्लॉक्ड, एंड आई डोंट नो हाउ शी हैड अ बेबी, इट सीम्स शी हैड अ मिरेकल बेबी, एंड एट दिस रेट शी कैन, इफ शी कैन हैव अ बेबी लाइक दिस इन दीज सर्कमस्टेंसेज शी कैन हैव अनदर वन। एंड इट इज दैट टाइम वी रियलाइज्ड कि दिस इज व्हाट अंकल हैड ड्रीम्ड, सिर्फ हम ही नहीं समझते थे, गुरु जी को तो पता था, बट ये अपर्णा का शायद भाव था कि उसे भी नहीं पता था कि उसको ये प्रॉब्लम्स हैं, कि ये उसको था कि मेरे को तो गुरु जी ने ही देना है, ब्लेस करना है, तभी हो सकता है कुछ। ऐसे उसको था कि गुरु जी की ब्लेसिंग से ही जिंदगी चलती है, उन्हीं की ब्लेसिंग से शुरू और अंत है, तो शी यूज टू फील कि गुरु जी आप ही देंगे, और गुरु जी ने उसको बेबी बॉय ब्लेस किया।
एंड उसका नाम भी उसने रखा जिसका मीनिंग है गिफ्ट ऑफ गॉड. नाउ शी हैज अनदर बेबी, ही इज ऑल्सो, क्योंकि बोला था ऐसे एक और हो सकता है, तो नाउ शी इज ब्लेस्ड विथ टू बेबीज. तो जो रब आपको बिना ऐसे नॉर्मल ऑर्गन्स के भी बेबीज दे दे, हेल्दी नॉर्मल ब्लेस्ड चिल्ड्रन, रब तो रब वो ही रब है. कोई इस दुनिया में डॉक्टर बड़े से बड़ा ये काम नहीं कर सकता. यू हैव नॉर्मल चिल्ड्रन विद यू. वी आर रियली 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 गुरु जी थैंक्स ग्रेटिट्यूड, रियली ब्लेस्ड. और पता नहीं हम उसके पात्र भी हैं कि नहीं, पर आपकी ब्लेसिंग्स का अंत नहीं. हम तो अवगुणों से भरे हुए हैं. गुरु जी हैं जो आपके घर की, दिल की, रिश्तों की, आपकी उन्नति की, आपकी पूरी जिंदगी की शुरू से अंत तक जानते हैं. सो मेरा गुरु जी के साथ जो जो भी एक्सपीरियंसेस है मैंने आपको शॉर्ट में सुना है, बिकॉज गुरु जी यूज टू से चलो अंकल सुनाओ शॉर्ट एंड स्वीट. अक्सर सब लोग कहते थे गुरु जी आपकी महिमा शॉर्ट कैसे हो सकती है. इसी तरह मेरे से भी आई कैन ऑल्सो कैरी ऑन एंड ऑन बिकॉज आई फील टोटली ड्रेंच्ड विद हिज ब्लेसिंग्स. एक गुरु जी हैड अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. कोई नोएडा से मिलने आता था तो गुरु जी कहते थे नो आइडिया. कोई ग्रेटर कैलाश से आता था गुरु जी कहते थे गटर कैलाश. कोई डेंटिस्ट आते थे BDS, बत्ती दंदा दा सर्वनाश. सो सडनली बड़ा लाइट माहौल हो जाता था. ऐसे ही एक सेलिब्रिटी कपल था, वो जब भी आते थे बहुत लाइट माहौल हो जाता था, बिकॉज उनको जब पहली बार वो मेरे साथ आए तो आई हैव नेवर इंट्रोड्यूस्ड एनीबॉडी. उस दिन पता नहीं मेरे मुंह से निकल गया गुरुजी ये पद्म विभूषण सो एंड सो हैं. गुरुजी ने उन्होंने माथा टेका, गुरुजी स्माइल, फिर उनकी वाइफ ने माथा टेका, तो आई सेड गुरुजी ये इनकी बड़ी वाइफ है. उसके बाद सेकंड वाइफ ने, टू सिस्टर्स आर मैरिड टू हिम, सो आई सेड गुरुजी ये छोटी वाइफ है. गुरुजी कहते हैं मैन विद टू वाइफ्स. और जैसे गुरुजी ने कहा ना मजे लेके पूरी संगत हंसने लग गई. गुरुजी ने अंकल को बुलाया, सेवादार अंकल थे किचन के दरवाजे के पास, आवाज देके बुलाया इधर आ. वो आए बेचारे भागे भागे, इशारा करके उनको बोलते कि पंजाबी आ देख दो दो बीवियां ले बैठा है, मैन विद टू वाइव्स. बड़ा लाइट माहौल, सबका हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे लोग, और गुरुजी भी बड़े मजे ले रहे थे. और फिर उस कपल को भी फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने बड़े प्यार से एक्सेप्ट किया ये चीज. दैट इज द थिंग कि आप जब एक रब आपके सामने बैठा है, महाशिव बैठे हैं, ठीक है बड़ा मुश्किल है पहचानना, पर आप एज ए गुरु तो पहचानते हो. उन्होंने इतनी एक्सेप्टेंस से पहले दिन से माथा टेका कि उन्होंने भी स्माइल किया संगत के साथ. ऐसे बड़ी देर चलता रहा. गुरु जी की इंस्ट्रक्शन होती थी जितनी देर आंदे है ना तू इतनी खड़ी रिया कर मेरे ना. मैनू लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है ना, होती नहीं थी, गुरु जी तो कुड स्पीक एनी लैंग्वेज. पर होगा कुछ भाव गुरु जी का जो हम ना सोचते हैं क्यों कैसे. हम कहते हाँ जी गुरु जी, और मैं उतनी देर खड़ी रहती थी. और फिर गुरु जी कहते थे चलो छुट्टी है, उनकी तरफ इशारा करते थे मुझे, मंत्री जी चलो अपना स्टाफ भी ले जाओ. वो सेलिब्रिटीज पद्म विभूषण और मुझे कहते थे ये तेरा स्टाफ है इनको भी ले जा. तो ऑकवर्ड हो जाता था, पर ये गुरु जी की ही कृपा है कि सब इसको बड़ा इजीली लेते थे. जब भी आते थे ये लाइन जरूर बोलते थे गुरु जी कि मैन विद टू वाइव्स, दो दो बीवियां ले बैठा है,
ऐसे ऐसी टोन में, साल डेढ़ साल के बाद एक बार ऐसे हम आए, क्योंकि मेरी ड्यूटी थी कि मैं उतनी देर खड़ी रहूं। मैं खड़ी थी, उन्होंने माथा टेका, गुरुजी ने रिपीट किया, मैन विद टू वाइफ्स, दो दो बीवियां ले बैठा। उस दिन उन्होंने कहा, हस्बैंड, बड़े प्यार से उन्होंने गुरुजी को देखा और बहुत ही आदर सम्मान से बोला, गुरुजी आप भी तो दो शादियां किए थे। और जो गुरुजी का नॉटी एक्सप्रेशन चेहरा था वो सडनली चेंज हुआ, गुरुजी थोड़ा सोबर हो गए एंड 3-4 मिनट कम ही हुआ, 3-4 मिनट तो बहुत लंबे हैं, फॉर फ्यू सेकेंड्स और 1 मिनट पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई। फिर संगत को भी लगा ये क्या बोल गए, और मेरे को भी लगा ओ हाउ कैन यू से। और गुरुजी ने उसके बाद बड़ी ब्लिसफुल स्टेट में उन अंकल को बोला, मांग की मांगता है। एंड उसने उन्होंने बोला, गुरुजी मोक्ष चाहिए, बड़ा इजीली। तो गुरुजी ने उतने ही इजीली बोला, जा देता। तो एक शिव, एक शिवजी ही तो, एक महाशिव ही तो ये सब कर सकते हैं। बिकॉज जब उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए तो उनके उस रूप में दो शादियां थी, और ये जो सेलिब्रिटी थे ये अपने सारे परफॉर्मेंसेस में शिव जी के बहुत कोरियोग्राफी करते थे। ऑफ कोर्स कृष्ण जी के, कृष्ण जी महाराज जी के भी सबकी करते थे, बट देवर शिव भगत बेसिकली। तो इन्होंने जैसे कहा ना कि गुरु जी आपने भी तो दो शादियां की थी, शिव जी ने दो शादियां की थी, दैट मीन्स दैट दिस अंकल एंड गुरु जी हैड दैट कनेक्शन, दैट दिस अंकल न्यू ये महाशिव, ये शिव जी बैठे हैं जिस रूप में, ये वो रूप है शिव जी का जिस रूप में उन्होंने दो शादियां की थी। सो कई बार कॉन्ट्राडिक्ट्री सत्संग भी होते थे, एक तरफ ये सत्संग था और एक तरफ इतनी कृपा इन लोगों पे थी, और गुरुजी ने इतनी बड़ी चीज इजीली उन्होंने कहा कि मांग की मांगता है, और उन्होंने कहा गुरुजी मोक्ष चाहिए, और उतने इजीली गुरुजी ने कहा जा देता। सो हरेक का कनेक्शन अपना होता है, इन अंकल का ये कनेक्शन था। ऑन द अदर हैंड पंजाब से एक कपल आया, 6-7 घंटे की ड्राइव करके शाम को पहुंचे, हम लोग सब बैठे थे, उन्होंने आके गुरुजी को नमस्ते की, गुरुजी ने गुस्से में कहा, नहीं उन्होंने गुरुजी ने कहा उठ के आ जाते हैं पंजाब तो, वो कहते गुरुजी मुंडे का विवाह नहीं हो रहा, रिश्ता नहीं हो रहा, तो मैं की करा, गुरुजी कहते मैं की करा, मैं तो खुद कुवारा बैठा, चलो पंजाब वापस जाओ, उठ के आ जाते। वो बेचारे बोले नहीं, अंकल चुपचाप एकदम उदास से होके बैठ के लंगर किया, आज्ञा ली, वापस पंजाब चले। हमें भी लगा कि ऐसे होता ही है, थोड़ा नॉर्मल है टू फील लाइक दैट। अगले दिन हम गए, वो अंकल आंटी फिर आए हुए थे, एक सेकंड के लिए लगा कि ओहो गुरुजी ने तो कल ऐसे बोला था, बट गुरुजी जैसे ही आए सिंहासन पर बैठे, हाँ फिर वो कहते गुरुजी ये लो मिठाई, मुंह मीठा करो, सुबह ही रिश्ता हो गया लड़के का। गुरुजी कहते ताई तब भेजे सी पंजाब, मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, ब्लेसिंग्स भी है। द ब्यूटी ऑफ द होल थिंग इज एक रब ही कर सकता है, और हमने उस रब को साक्षात देखा, उससे हाथ से प्रसाद खाया, उसकी बातें सुनी, उससे बातें की, उसे महसूस किया, और आज भी मैं महसूस करती। गुरुजी फिजिकल चोला में नहीं है, पर बहुत दुख हुआ था जब गुरुजी ने फिजिकल सेल्फ छोड़ी, मुझे बहुत क्लियरली
वो वाक्य याद है, मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती वो पल जिस दिन हम हरिद्वार से अखीर ला संस्कार करके वापस आए, बहाकर आए, 11:30-12 बड़ा मंदिर पहुंचे रात को। वहां मेरे बेटे ने कहा घर चलो। मेरे को लगा ये सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा। गुरुजी वैसे चले गए, वी वर ऑल सो बैडली इफेक्टेड, होल संगत वॉज बैडली इफेक्टेड, इट हैपन सो सडन सडनली। और वो जो बीच के दिन थे हरिद्वार जाने से और गुरुजी का चोला छोड़ने के, तो हम मंदिर में ही रात को बारी बारी, दिन में रात में, बस घर आते थे चेंज वेंज करके वहीं जाते थे, जो जो भी उन दिनों में करना होता था। तो जब ये टाइम आया कि अब सब करके अब घर चलो, मेरी और मेरे बेटे की लड़ाई होगी। वो कहे घर चलो, मैं बोलूं तू मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, गुरुजी वैसे छोड़ के चले गए और तुम मुझे अब यहां मंदिर रह गया, मंदिर से भी ले जा रहे हो। मेरे को बहुत तकलीफ हुई उस टाइम, मुझे लगा इससे बुरा इंसान मेरे बेटे से नहीं हो सकता, जो मेरी रही सही भी टच ऑफ गुरुजी दूर कर रहा है मुझे। एवरीबडी वॉज फीलिंग, नॉट ओनली मी, ऑल इन अ बैड शेप, लड़ाई झगड़ा कर कर आके जैसे भी है मेरे को घर ले आए। इसके रूम में सीधा एक ही लाइट चल रही थी, इसके रूम में गए हम बैठे, तो सडनली मुझे लगा कि इसके रूम में तो मैंने बैठना ही नहीं है, ये मेरे को गुरुजी के मंदिर से भी दूर कर रहा है। तो मैं नाराज थी, टोटली टोटली डिप्रेस थी, तो मैं उठकर अपने रूम में जाने लगी। मेरे रूम की एंट्रेंस पर वो स्वरूप लगा हुआ था गुरुजी का, जो मेरे गुरुजी के जाने पे गुरुजी ने सबसे पहले मेरे घर भेजा था। ये वो स्वरूप है जिसमें गुरुजी अपने हाथों में आंखें बंद करके चेहरा होल्ड किए हुए है। जब मैं रूम का दरवाजा एंटर कर रही थी तो मुझे थोड़ा कुछ हिलता दिखा फ्रॉम माई पेरिफेरल विजन, आई टर्न, उस स्वरूप में लेफ्ट हैंड में जो पल्स है वो छोटी उंगली जितनी मोटी, और वो ठक ठक चल रही है, जैसे आई मीन आई कुड सी इट विजिबली, इतनी मोटी होकर स्वरूप में वो ठक ठक पल्स बीट के साथ चल रही है। और मैं एकदम हैरान, मतलब आई वॉज फ्रोजन, आई वॉज स्टक टू इट कि वॉट इज दिस हैपनिंग। एंड इतने में उधर बाद में मुझे बताया, माई सन टोल्ड मी कि मम्मा मुझे लगा पिन ड्रॉप साइलेंस है, आपकी तरफ से कुछ खटका नहीं हुआ। तो मैंने अपने फ्रेंड को भेजा जो गुरु संगति था कि मम्मा मेरे से नाराज है, देख तो ठीक भी है कि नहीं। जैसे वो आया, उसको क्या पता, उसने मुझे खड़े देखा, वो बोलने लगा था माता जी मतलब ही मस्ट बी वॉन्टिंग टू आस एम ओके। तो मैंने उसको इशारे किया चुप और उसका हाथ पकड़ा, उसने देखा ही वॉज विद मी एंड बोथ ऑफ अस सॉ वो पल्स ठक ठक चल रही है। एंड इन अनदर मिनट गुरुजी की जो बंद आंखें थी, लेफ्ट वाली पलक, उन्होंने 2 बार बंद बंद ही ऐसे झपकाई। वी वर बोथ फ्रोजन। इतने में माई सन रियलाइज कि कुछ गड़बड़ तो है, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस घर में कैसे हो सकता है। ही केम टू चेक, बाय द टाइम एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल। एक्सक्यूज मी, सो माई सन आस्क्ड क्या हो गया, सो वी नरेटेड, सो वी ऑल डिड प्रणाम टू गुरु जी। एंड माई सन टोल्ड मी कि आपको इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए, आप रो रहे हो हाय गुरु जी छोड़ के चले गए, हाय गुरु जी छोड़ के चले गए, जिंदगी खत्म हो गई हमारी, अब हम क्या करेंगे, देर इज नो एंकर टू आर लाइफ। देखो गुरु जी ने बताया आपको कि मैं आपके साथ हूँ, हमेशा ही हूँ, निराकार में हूँ, अब पहले साकार रूप में था। मतलब वो गुरु जी की कृपा थी कि उसकी ये कुछ लाइनें एकदम रजिस्टर होगी, एज इफ गुरु जी इज एक्सप्लेनिंग कि मैं तो तेरे साथ ही हूँ। ऑफ कोर्स उस दिन के बाद बहुत मोरल ठीक धीरे धीरे हुआ,
फिजिकल सेल्फ तो मैं अभी भी कई बार मिस करती हूँ, पर मुझे 100% आई नो गुरुजी इज विद मी, आई हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड आई टेक इट फॉर ग्रांटेड. ही इज द कर्ता, ही इज ऑलवेज देयर, ओमनी प्रेजेंट है एंड आई फील इट ऑल्सो. बट यस संगत जी, आई विल नॉट, आई विल बी अ लायर इफ आई से आई डोंट मिस हिज फिजिकल सेल्फ. कभी कहीं जब ऐसे पुरानी बातें याद आ जाती हैं तो एक सेकंड के लिए हार्ट बीट रुक जाती है कि गुरुजी एक सेकंड के लिए ऐसे बोल दो, देखिए फिर हाँ तू आगे वट एवर लिटिल, एक सेकंड के लिए लगता है बहुत. काश अब एक बार आके सामने आमने फिजिकल सेल्फ में भी बोल दो दैट आई मिस वंस इन अ वाइल. बट इतनी कृपा है गुरु जी की कि वो डामाडोल होते होते बचा लेते हैं. मन कभी डामाडोल ऐसे होता है तो कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ ऐसा हिंट गुरु जी दे देते हैं कि अपने आप मन सेटल हो जाता है. एक बार मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, आई थिंक मैंने बहुत टाइम ले लिया अंकल, आई एम सॉरी. मैं वाइंड अप करूंगी इसके बाद, आई होप आई कैन टेक 2 मिनट्स अंकल. जी आंटी, गुरु जी ने एम्पायर स्टेट की बात है, मेरी बेटी को मेरे बेटे के साथ कहीं बर्थडे पार्टी में जाना था तो उसने कहा मैं अभी नहीं जाऊंगी, पहले गुरुजी को मिलूंगी, मैं 10 बजे के बाद जाऊंगी. तो बेटे के दोस्त ने भी बोला, बेटे ने बोला ठीक है हम पिकअप कर लेंगे. 10 बजने से 10 मिनट पहले गुरुजी उठे, सैर को चले. तो जब बच्चे उसे पिकअप करने आए तो ये बोली कि नहीं मैं तो अभी नहीं जाऊंगी, गुरुजी आज्ञा देंगे तो जाऊंगी, तो आप भी रुक जाओ. तो हम सारे बैठ गए, गुरुजी काफी लेट आए 12 बजे के करीब. तो पार्टी का तो चलो सवाल ही नहीं था. उसके बाद गुरुजी बैठे, हम तीन चार हम लोग थे, तीन चार और लोग थे. गुरुजी पैर गुरुजी के लंबे किए हुए थे और नीचे तकिया लगा के दीवार के साथ बड़े रिलैक्स मोड में बैठ गए. और कई बातें हो रही थी, एक आंटी को उन्होंने बोला मेरे कान से दर्द हो रही है, तो आंटी वो कुछ ऑयल वॉयल लेने चली गई और दूसरी आंटी से बात करने लग गए. तो मेरे बेटे के दोस्त से पूछा उस कहाँ से आए हो, तो मेरी बेटी ने बताया जी भैया के दोस्त हैं अतुल भैया, और आज इनका जन्मदिन है, कल हाँ इनका जन्मदिन है, मुझे लेने आए थे पर ऐसे अब हम यही हैं. तो गुरुजी ने बड़े मजे से उसको बोला कितने रहता है, उसने बताया जी मैं बैंकॉक रहता हूँ, फैमिली वही है. तो तेरे नाले कौन है, उसने कहा जी मेरे कजन है. कितने रहते हैं, कुबेर. शादी होगी, नहीं जी दे भाई यंग बॉयज, वो कुबेर त्यागी रहता है, उदिया दो कुड़ियां हैं ब्याह करा लो. मतलब बड़े मजे से उनको 5-7 मिनट उनसे ऐसे ही हंसते खेलते रहे. सडनली ही लुक्ड एट मी, गुरुजी ने कहा पांव की सेवा के लिए तो मैं वो कर रही थी. एंड ही सेड तेनु पता मेरे पैर च पदम है. तो मुझे कुछ आइडिया था, पदम क्या मैंने कभी नहीं देखा, पर मुझे ये था कि कृष्ण जी का सुना था उनके पाँव में पद्म था जिस पे तीर लगा था एंड में. आई सेड हां जी गुरु जी. गुरु जी अगली लाइन क्या कहते हैं, कृष्ण जी के पैर च एक पद्म से है, मेरे दोनों पैर च है. हां जी गुरु जी. 2 सेकंड बाद कहते हैं तेनू पता मैनू पसीना नहीं आंदा. मैं तो अनजान थी, मैं हां जी बोल दिया. कहते वो अमृत होता है, वो पसीना नहीं होता. देन ही सेड मैं यूरिन नहीं पास करता, वो अमृत होता है.
इमीजिएटली मेरे दिमाग में वो एक इंसिडेंट आया, जब गुरु जी बड़ा मंदिर आते थे तब तो ये कंस्ट्रक्शन थोड़ी फर्क थी गुल्लक रूम की। एक ट्रीटमेंट रूम होता था, एक गुरु जी का रूम होता था, वॉशरूम बाहर से जाना पड़ता था। तो गुरु जी एक दिन वापस आए और उन्होंने एक अंकल को बोला कि जा वो फ्लश करके आ। अंकल वापस ही नहीं आए, गए और आए नहीं, आए नहीं। 15-20 मिनट हो गए, सडनली गुरु जी कहते वो कितने गया, उन्हें बुलाओ। तो कोई उनको बुला के लाया, तो तू कितने रह गया से? वो कहता गुरु जी मैं तो फ्लश करने गया, इतनी गुलाबों की खुशबू से भरा हुआ था कि मैं वहीं बैठ गया, मेरे से उठा ही नहीं गया, मैं वही इनहेल करता रहा। ये मेरे को इंसिडेंट एकदम याद आया जब गुरु जी ने ये कहा। फिर गुरु जी ने साथ वाले अंकल को बोला, अंकल आंटी बैठे थे, उनको बोला तुहानू पता है किसी दे दो द्वार खुले होंगे किसी दे तीन, मेरे 10 द्वार खुले हैं। और गुरु जी ने फिर उन अंकल को आंटी को सॉरी आंटी को बोला अपने सिर के ऊपर यहां सूंघ, फिर माथे पे हाथ लगा के बोला यहां सूंघ। तो 3-4 चक्र उन्होंने हर एक की, आंटी ने बोला हर एक डिफरेंट द्वार की डिफरेंट फ्रेग्रेंस थी। सो ओनली रब विल नॉट स्वेट अमृत होगा, ओनली रब विल हैव टू पदम्स। 10 द्वार सदगुरु के हो सकते हैं ऊपर, नॉट एनीबडी एल्स। सो हमने रब को सामने देखा। बहुत बहुत कृतज्ञ हैं हम आपके गुरु जी, आपने दर्शन दिए, हम तो इस काबिल नहीं थे। ऐसे कितने आपने एक्सपीरियंसेस दिए, अपनी हमारी जिंदगी को सुधारा, एक अच्छी लाइन पे लाए। हम तो दुनियादारी में, मैं तो वो दुनियादारी में ही गोते खा रही। आपने एक पैरेलल रास्ता दिया, उस रास्ते पे आपने हमें चलाया और आपने कुछ डेकोरम शो किया बताया। कोशिश बहुत है गुरु जी कि मैं उसी डेकोरम में रहूं, दुनिया चाहे बुरा कहे भला कहे पर उससे डिविएट ना हो, ताकि कोशिश करें। कृपा तो आप ही की होगी तो वो कोशिश सफल होगी कि आपके दिए रास्ते पे हम चल सकें और आप ही के चरणों में हमेशा ध्यान से रह सकें। आप ही की महिमा, आप ही के ब्लेसिंग्स में रह सके। इन सब के लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, हाथ जोड़ के शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना कि आपने हमें, हम जैसे लोगों को अपनी शरण दी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। अगर कुछ गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहती हूँ, क्योंकि गुरु जी की महिमा जब शुरू होती है तो मुझे कुछ नहीं पता होता। गुरु जी जो बुलवा देते हैं वो एक्सपीरियंसेस शेयर कर देती हूँ मैं। अगर कुछ भूल चूक कोई गलत लफ्ज कह गई हूँ तो माफी चाहती हूँ गुरु जी आपसे और संगत से। जय गुरु जी, थैंक यू अंकल, थैंक यू बड़ा मंदिर, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। जय गुरु जी, प्रणाम।